अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रोशे कार्ड्स पाकिस्तान। आज मेरा क्लच मेकिंग के लिए सेकंड ट्यूटोरियल है। आप लोगों को पता होगा कि हमने 51 स्टिचेस से स्टार्ट लिया था और SC और DC का कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे थे, और हर रो में हमारा जो पैटर्न चेंज हो रहा था, SC की जगह DC, DC की जगह SC। ठीक है। अच्छा, जो लोग एक कलर से बना रहे हैं सिंगल कलर से, वो अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे अपनी कैनवस शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे ये कैनवस शीट है, तो जो सिंगल कलर से बना रहे हैं वो अपनी लेंथ जो है वो कंप्लीट करेंगे कैनवस शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है। जितनी कैनवस शीट की लेंथ है उतना इसको आप बढ़ाते जाएंगे, जो एक कलर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग दो कलर्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैं गाइड कर देती हूँ कि आपने ऑलमोस्ट 9 इंचज़ तक इसको इंक्रीज़ करना है। ये देखें, ठीक है, ऑलमोस्ट 9 इंचज़ तक आपने इसको करना है, इसकी लेंथ बनानी है। और उसके बाद हम सेकंड कलर ऐड करेंगे, और सेकंड कलर को हम इतना इंक्रीज़ करेंगे जितनी हमारी कैनवस शीट की लेंथ है। ठीक है। क्योंकि मैं दो कलर्स यूज़ कर रही हूँ, अब मुझे यहाँ पे न्यू कलर ऐड करना है। गोल्डन कलर में यहाँ पे कर दूँगी कट, और पैटर्न हमारा वही होगा, DC की जगह SC और SC की जगह DC। ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू कलर ऐड करूँगी। अब ये जो मेरी रो ख़त्म हुई थी, रो मेरी ख़त्म हुई थी डबल क्रोशे पे। ठीक है। मींस के मैंने इस रो में स्टार्ट में भी डबल क्रोशे बनाया और एंड में डबल क्रोशे बना, तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मेरा नेक्स्ट रो पे डबल क्रोशे पे SC आना चाहिए। ठीक है। तो मींस के मैं SC से स्टार्ट लूँगी। सेकेंड कलर मेरा मेरून कलर है, इसको मैं ज्वाइन करूँगी। ठीक है। DC पे ख़त्म हुआ था, तो इट्स मीन सेकेंड रो में मेरा बनेगा SC, क्योंकि हमारा पैटर्न हर रो में चेंज होता है। तो ये जो डबल क्रोशे स्टिच है मैं यहाँ पे बनाऊँगी सिंगल क्रोशे स्टिच, क्योंकि हमारा पैटर्न यही है जो चलता आ रहा है, स्टार्ट से पैटर्न वही रहेगा। हम बस यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी SC। ठीक है। ये सिंगल क्रोशिया बन गया। अब उसके बाद वही पैटर्न SC DC SC DC SC बना लिया। नेक्स्ट में बनाऊंगी DC, फिर उससे नेक्स्ट में यहाँ बनेगा SC, फिर नेक्स्ट में DC। मेथड वही, पैटर्न वही, सिर्फ कलर चेंज ही है। जो लोग दो कलर से बना रहे हैं वो इसी तरह से यहाँ पे 9 इंचज़ के बाद इस कलर को अटैच करेंगे और इसको इंक्रीज़ करेंगे जितनी कैनवस शीट की लेंथ है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से मैं ये रो कंप्लीट करूँगी SC DC SC DC, और इसी तरह से मेरी लेंथ मैं इंक्रीज़, जैसे मैंने इसकी ये लेंथ इंक्रीज़ की थी 9 इंचज़, तो बाकी लेंथ मैं इंक्रीज़ करूँगी इस थ्रेड से। ठीक है। जितनी मेरी कैनवस शीट की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसको इंक्रीज़ करती जाऊंगी। ये देखें, ठीक है, मुझे इतना इंक्रीज़ करना है इस मैरून कलर से, और वही सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन। ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये देखें, आपने विड्थ जो है आपकी, आप देखेंगे कि आपकी कैनवस शीट जो है वो बड़ी है विड्थ वाइज। ठीक है। तो हमें उसको कट करना है अपनी इस विड्थ के हिसाब से, जितनी हमारी इसकी विड्थ बनी है हम उसके हिसाब से अपनी कैनवस शीट को करेंगे कट। 51 स्टिचेस लिए थे क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, हमें जो है वो 8 इंचज़ का क्लच जो है वो बेस्ट होता है विड्थ। तो कैनवस शीट क्योंकि ज़्यादा है वो क्लच मेकिंग के लिए, इसकी विड्थ जो है वो बेस्ट नहीं है, इसलिए हम इसको कर देंगे यहाँ पे कट। तो आप देखें इसकी विड्थ कितनी बन रही है, यहाँ से आपने इसको मेजर करना और ठीक है। अब ये जहाँ तक इसकी विड्थ बनती है, बाकी आप इसको कर देंगे कैनवस शीट को कट। ठीक है। ये इतनी विड्थ बन रही है इसकी, बाकी शीट को मैं कर दूंगी कट। इस तरह से आपने ये पूरी शीट कट कर लेनी है अपनी इस विड्थ के हिसाब से, और लेंथ हम इंक्रीज़ करेंगे। लेंथ इस शीट की बिल्कुल ठीक है, आप इस लेंथ के हिसाब से ही अपने इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। इसको हम कर देंगे कट।
इसको कट करने के बाद हम अपनी अपना जो क्रोशे वर्क है उसको करेंगे कंप्लीट इसकी लेंथ के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने काट दी। अब ये देखें विड्थ तो हमारी अब ठीक है, ये देखें ठीक है। और लेंथ इंक्रीज करनी है इतनी जितनी हमारी कैनवस शीट की लेंथ है। पैटर्न वही है, डिज़ाइन वही है, जिस तरह से हम लोगों ने ये नीचे कंप्लीट किया पार्ट उसी तरह से ऊपर कंप्लीट करेंगे। जो लोग सिंगल कलर यूज़ कर रहे हैं वो उसी तरह से इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे इन जितनी कैनवस शीट की लेंथ है। विड्थ का मैंने आपको बता दिया कि जितनी आपकी इसकी विड्थ बनेगी आपने अपनी कैनवस शीट को भी इसी की विड्थ के हिसाब से कट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बाद में अटैच करना है कैनवस शीट के साथ, तो इसलिए हमारी विड्थ और लेंथ कैनवस शीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो विड्थ क्योंकि ज़्यादा है कैनवस शीट की इसलिए हमने वो काट दिया, और लेंथ इसकी बिल्कुल परफेक्ट है तो हम इसकी लेंथ के हिसाब से अब इसको मैं इंक्रीज़ करती जाऊँगी। और इसको इंक्रीज़ करने के बाद जब मेरा ये पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा लेंथ, तो उसके बाद मैं आपको आके गाइड करूँगी कि हम इसको कैनवस शीट के साथ कैसे अटैच करेंगे और उसके बाद हम फर्दर पार्ट्स इसके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने इसको समझा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।